मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए स्वामी। क्षमा? कदापि नहीं। तेरा शरीर अपवित्र हो चुका है, तेरी आत्मा अपवित्र हो चुकी है। जाओ, मैं तुझे शाप देता हूं, इसी क्षण तू पत्थर बन जा। और फिर मैंने वो आश्रम छोड़ दिया, वो स्थान छोड़ दिया, वो नगरी छोड़ दी, और अहल्या का ध्यान भी नहीं। मैं उससे पीछा नहीं छुड़ा पाता। मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ ऋषिवर, ये जानते हुए कि देवी अहल्या के साथ छल हुआ था, इंद्र ने उन्हें भ्रम में डाल दिया था, सारा दोष देवराज का था, देवी अहल्या निर्दोष थी, आपने उन्हें शाप क्यों दिया? मेरे पास इसका कोई उत्तर नहीं है राजकुमारी। मेरे पास है। आपने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वे नारी थी, पुरुष समझता नारी का कोई अस्तित्व नहीं, कोई सम्मान नहीं। वो दासी है, उसका कार्य सिर झुका के पुरुषों की आज्ञा का पालन करना है। पुरुष कुछ भी करे वो स्वच्छंद है, स्त्री भूल कर भी कोई भूल कर बैठे तो उसे दंडित किया जाना चाहिए। मैं सत्य कह रही हूँ ना ऋषिवर? मेरे पास इसका कोई उत्तर नहीं है राजकुमारी। मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं कुछ नहीं कह सकता। तो ऐसे व्यक्ति को ना मैं गुरु मान सकती हूँ, ना उसका आदर कर सकती हूँ। पुत्री सीता, मैं माँ हूं, धरती माँ। मैं जानती थी कि अहंकार और अज्ञान, चाहे जितने शक्तिशाली हों, सत्य के आगे ठहर नहीं सकते। ताड़का उस ऋषि परंपरा का अंत करना चाहती थी जो सभ्यता की प्रतीक है, मानवता की धरोहर है, किंतु उसे यह ज्ञात नहीं था कि इस परंपरा के प्रहरी राम हैं। अपने अहंकार में उनसे जा टकराई जो मानवता के रक्षक हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम है, उसका तो वही अंत होना था जो हुआ। मानवता की विजय हुई, दानवता हार गई। इसका तो जितना भी हर्ष मनाया जाए कम है। महारानी, महारानी। अवश्य महाराज, कोई शुभ समाचार लाए हैं। दीदी, उनका स्वर प्रसन्नता से भरा है। महारानी। महाराज, आज समय से पहले ही आप राज्यसभा से लौट आए। हाँ महारानी, ऋषि श्रेष्ठ विश्वामित्र के आश्रम से उनका एक शिष्य आया है और वो हमारे पुत्रों की कुशलता और सफलता का समाचार लेकर आया। हे ईश्वर, धन्यवाद है तुझे। और कुछ कहा उसने? हाँ, वो ये भी कह रहा था कि हमारे पुत्रों ने उस क्षेत्र के समस्त राक्षसों का अंत कर दिया। हाँ? आश्रम के चहुं ओर शांति स्थापित हो गई है और हमारे पुत्रों की शिक्षा अब अपने अंतिम चरण में। कृपा है ईश्वर की। आप उदास क्यों हैं छोटी रानी? पुत्रों की कुशलता का समाचार सुनकर तो आपको प्रसन्न होना चाहिए था। केवल समाचार मुझे प्रसन्न नहीं करता महाराज, मुझे सुख तो उसी दिन मिलेगा जिस दिन मैं अपने लाल का मुख देखूंगी।
फूलों में बसने वाला कांटों में पल रहा है। इस राजभवन का दीप ऋषि की कुटिया में अपना उजाला लुटा रहा है तो मुझे प्रसन्नता कैसे होगी? किंतु छोटी रानी, हमारे पुत्र तो विद्या का धन प्राप्त करने गए हैं। इस अयोध्या के राजभवन में किस धन की कमी थी? विद्या का धन यहाँ रहकर भी तो वो प्राप्त कर सकता था। शिक्षा प्राप्ति के लिए जिस कठोर तप और त्याग की आवश्यकता होती है वो इस राजभवन में संभव नहीं होता छोटी रानी। और अब तो हमारे पुत्र ऋषिवर से बला और अतिबला नाम की विद्या सीख रहे हैं छोटी रानी। ये कौन सी विद्या है महाराज? इस विद्या की प्राप्ति के पश्चात भूख और निद्रा जैसी मूल आवश्यकताएं हमारे पुत्रों के अधीन हो जाएंगी। हमारे पुत्र इन आवश्यकताओं के अधीन नहीं रहेंगे छोटी रानी। क्षमा कीजिए महाराज, यदि मेरा पुत्र महाराज दशरथ के राजभवन में रहता तो भूख और निद्रा जैसी जीवन की आवश्यकताओं के अधीन रहता, पर महाराज इस राजभवन में तो यूं भी ये आवश्यकताएं दासियों की भांति उनके अधीन होती। आपकी एक नहीं चलेगी महाराज, छोटी रानी को अपने पुत्र राम से इतना प्रेम है कि आपका कोई तर्क इन्हें संतुष्ट नहीं कर सकता। मैं तो केवल ये कहना चाहती थी महाराज कि ऋषिवर जो उन्हें सिखा रहे हैं उसकी उन्हें आवश्यकता नहीं। नहीं देवी, पुत्र को एक बार गुरु के हाथों में सौंप देने के उपरांत इसका निर्णय केवल गुरु करता है कि उसे अपने शिष्य को क्या सिखाना है और कैसे सिखाना है। इसमें ना तो माता पिता को किसी चुनाव का अधिकार है और ना स्वयं शिष्य को। किंतु आप चिंतित ना हो, मैंने ऋषिवर के लिए संदेश कहलवा दिया है कि साधना समाप्त होते ही वे राम और लक्ष्मण को अयोध्या भिजवाएं। अब तो प्रसन्न हो छोटी रानी। गुरुदेव, महामंत्री महोदय, आइए पधारिए, आपका स्वागत है। सेवक का प्रणाम स्वीकार करें ऋषिवर। कल्याणमस्तु। मिथिला में सब कुशल मंगल तो है? आपकी कृपा से सर्वथा कुशल मंगल है। प्रभु की कृपा है। कहिए कैसे कष्ट किया? महाराज जनक की ओर से आपकी सेवा में निमंत्रण पत्र लेकर उपस्थित हुआ हूं। अच्छा, महाराज ने शिवधनुष के महायज्ञ का आयोजन किया है और उनकी इच्छा है कि आप भी उसमें सम्मिलित हों। इसी के साथ उन्होंने राजकुमारी सीता का स्वयंवर भी घोषित किया है। उनसे कहिएगा कि मैंने उनका निमंत्रण स्वीकार किया। मैं अवश्य उपस्थित रहूंगा। जो आज्ञा। राम। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान लाल, आयुष्मान लाल। मिथिला से महाराज जनक के महामंत्री आए थे। महाराज जनक शिव धनुष का महायज्ञ कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि मैं उसमें सम्मिलित हूं। उचित भी है गुरुदेव, भगवान शिव आपके आराध्य जो हैं। मैं तो जाऊंगा ही,
किंतु मेरी इच्छा है कि तुम दोनों भी मेरे साथ चलो। सुनो शिष्य, महाराज जनक के इस यज्ञ में एक नए इतिहास की रचना होने जा रही है, एक ऐसा इतिहास जो हमारे युग में वास्तविकता और आने वाले युगों की आंखों में स्वप्न बनकर सदैव जीवित रहेगा, एक नए राज्य की नींव पड़ने जा रही है। संसार हर युग में जिसके लौटने की प्रतीक्षा करेगा। हमें कल ही मिथिला की ओर प्रस्थान करना है शिष्य, तुम दोनों मेरे साथ अयोध्या के राजकुमार नहीं मेरे शिष्य बनकर चलोगे। हम महर्षि गौतम के आश्रम होते हुए चलेंगे। हे राम, औरों को तो प्रतीक्षा पत्थर बना देती है, मैं तो पत्थर बनकर भी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूं। औरों के नेत्र तो किसी की राह तकते तकते पथरा जाते हैं, परंतु मैं तो न जाने कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूं। अब तो आ जाओ हे राम, मुझ दुखियारी अबला के दुख का अंत कर दो। धन्य है वायु का ये झोंका जो मुझ तक तुम्हारे कमल चरणों की धूल की सुगंध लाया है। तुम आ रहे हो, तुम अवश्य आ रहे हो। मुझ दुखियारी के दिन फिरने वाले हैं, तुम मेरे कल्याण के लिए मेरे समीप आ रही हो। हे राम, हे राम। रथ रोको सारथी। आज हम यहीं विश्राम करेंगे। गुरुदेव, इस उजड़े आश्रम में क्या यह स्थान विश्राम के लिए उचित रहेगा? यह सबसे उत्तम स्थान है शिष्य, हम यहां नहीं आए, यह उजड़ा हुआ आश्रम स्वयं हमें यहां खींच लाया है। हे राम, 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 हे राम। मुझे कौन पुकार रहा है गुरुदेव? तुम्हें ये पुकार रहे हैं शिष्य। और न जाने कब से पुकार तो ये तो पाषाण की प्रतिमा है गुरुदेव। हाँ है, इस प्रतिमा को अपने चरण से स्पर्श कर दो शिष्य। जी, इस पत्थर की मूर्ति को अपने चरणों से छू। गुरुदेव, गुरु के आदेश पर प्रश्न चिन्ह लगाना ना तो शिष्य को शोभा देता है और ना ही उसका अधिकार है। किंतु हे गुरुदेव, नारी पत्थर की भी हो तब भी आदर सम्मान के योग्य होती है, उसे चरणों से छूना महापाप है। मुझे नारी के इस अनादर का साहस नहीं हो रहा है गुरुदेव। नारी के प्रति तुम्हारी पवित्र भावना जानकर मैं गदगद हो गया शिष्य, मुझे ऐसे शिष्य पर गर्व है। मैं स्वयं किसी को नारी का अनादर करने की अनुमति नहीं दे सकता, परंतु ये एक विचित्र विडंबना है कि इस नारी का कल्याण इसी में निहित है। इसे अपने पैरों से छूकर तुम इसका अनादर नहीं, इसका उद्धार करोगे पुत्र। कौन है ये देवी?
ये दुखियारी अबला ऋषि गौतम की पत्नी अहिल्या है। मैं अपराध होकर भी न जाने कब से पत्थर बन जाने का दंड भोग रही है। बहुत दुखद है इसकी कथा। देखा देखा आपने चंद्रदेव, कितनी सुंदर नारी है अहिल्या। किंतु देवराज, आप चाहते क्या हैं? मैं उसे पाना चाहता हूं। तो क्या उसे पा लेना आपके वश में है? हां, यदि तुम मेरी सहायता करो तो। मैं क्या कर सकता हूं? तुम्हें कल अपने क्षेत्र से हटने के निर्धारित समय से पहले कुछ समय के लिए आकाश से लुप्त होना होगा। ये क्या, भोर हो गई और आज मेरी आंख नहीं खुल पाई? मुझे भी आश्चर्य है स्वामी, आज रात इतनी शीघ्र कैसे ढल गई। मैं अभी आती हूं। बताइए ना, आप इतना शीघ्र क्यों लौट आए? सूर्यदेव के दर्शन को जाते जाते मुझे आपके मुख चंद्र का ध्यान आ गया। मैं विचलित हो उठा। स्वामी, यह आज आपको क्या हो गया है? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपने तो अपनी सारी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है। मेरा संयम टूट गया है देवी, आपके स्मरण ने मुझे सब कुछ भुला दिया। आपकी सुंदरता, आपके यौवन ने मुझे सब कुछ भुला दिया। मुझे और व्याकुल ना कीजिए, अपने अधरों की मदिरा से मेरी प्यास बुझा दीजिए। अरे ये क्या, चंद्रदेव? परंतु ये चंद्रदेव कहां लुप्त हो गए थे? अभी तो सूर्योदय में विलंब है, मुझे आश्रम लौट जाना चाहिए। दुष्ट, कौन है तू? अपना वास्तविक रूप दिखा मुझे। तो ये तू है इंद्र, जाओ, मैं तुझे शाप देता हूं कि जिस वास्ता ने तुझे ये पाप करने पर विवश किया था, तू आज के उपरांत उसके योग्य ही नहीं रहेगा। दूर हो जा मेरे सामने से, दूर हो जा। मुझे क्षमा कर दीजिए स्वामी। क्षमा? कदापि नहीं। तेरा शरीर अपवित्र हो चुका है, तेरी आत्मा अपवित्र हो चुकी है। जाओ, मैं तुझे शाप देता हूं, इसी क्षण तू पत्थर बन जा। अब जब तक तुम इसे अपने चरणों से स्पर्श नहीं करोगे, ये यूं ही पाषाण की मूर्ति बनी रहेगी। इसके कल्याण के लिए
तुम्हें मेरे आदेश का पालन करना होगा शिष्य। जो आज्ञा। देवी, मेरे लिए नारी हर रूप में माता समान है। मैं आपको अपने चरणों से स्पर्श करने की धृष्टता करने जा रहा हूं, क्षमा कीजिएगा। अचरज भयो जगत में भारी, शाप मुक्त भई अबला नारी। पावन चरण राम को लागा, ऋषि पत्नी पाहन तन त्यागा। ऋषि पत्नी पाहन तन त्यागा। हे दुखी जनों का दुख मिटाने वाले राम, हे संकट के मारों का संकट मिटाने वाले राम, हे दुखियारों को तारने वाले राम, हे पापियों का उद्धार करने वाले राम, इस अबला को शाप से मुक्ति दिलाकर आपने जो इस पर उपकार किया है, उसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। नहीं देवी, आपके साथ घोर अन्याय हुआ था। मुझे अपार हर्ष है कि अब आपको न्याय मिल गया है। मुझे आशा ही नहीं, विश्वास भी है कि अब तक महर्षि गौतम को भी अपनी भूल का आभास हो चुका होगा। किंतु वो भी विवश थे देवी, क्योंकि नभ से टूटा हुआ तारा, धनुष से निकला हुआ बाण एवं मुख से निकला हुआ शाप लौटाया नहीं जा सकता, केवल उसका दंड भोगा जा सकता है। पश्चाताप की अग्नि में जलना भी तो दंड ही है देवी। महर्षि अब तक उस अग्नि में जल चुके होंगे। गुरुवर, यदि इस उजाड़ स्थान पर मुझे लाने का यही उद्देश्य था तो वो पूरा हुआ। अब हमें यहां से प्रस्थान करना चाहिए। ऋषि श्रेष्ठ, देखिए, प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। सदा विजयी भव। आपने मेरे चरण स्पर्श किए, मुझे इस बात का विश्वास हुआ कि आपने मुझे क्षमा कर दिया। मैं इस घड़ी की प्रतीक्षा में था। और मैं उस घड़ी की प्रतीक्षा में हूं महर्षि, जब आप उनसे क्षमा याचना करेंगे जो निरपराध होकर भी आपके कठोर शाप का दंड भोग रही थीं। इस देवी के साथ दो बलों का दुरुपयोग हुआ है, देव बल एवं तपोबल। साक्षात इंद्र ने देवबल का दुरुपयोग किया और आपने महर्षि तपोबल का। देवी, मेरे शाप ने आपको पत्थर बना दिया, परंतु विश्वास कीजिए, इस शाप ने केवल आपको नहीं स्वयं मुझे भी दंडित कर दिया था। आज मैं श्री राम और ऋषि श्रेष्ठ विश्वामित्र के माध्यम से समस्त संसार को संबोधित करके आपसे क्षमा मांगता हूं। मुझे क्षमा कर दीजिए। नहीं स्वामी, नहीं। भावी को टाला नहीं जा सकता था, भाग्य लेख को मिटाया नहीं जा सकता था। जो हुआ वो होना ही था। भाग्य का लेख मानकर मैं अपने दोष से बच नहीं सकता। मेरा पुरुष होने का अभिमान मेरे समक्ष आ गया। अभिमान विवेक का शत्रु होता है।
मुझे इसी शत्रु ने नीचा दिखाया। ऋषिवर, संध्या वंदन कर ले, फिर हम भोजन करेंगे। आप सबको कुछ दिन हमारे आश्रम में ही रहना होगा, यही मेरी विनती है। हम जनकपुर जा रहे हैं महर्षि, और हमें वहां शीघ्र पहुंचना है। ऋषिवर, वहां तो हमारा पुत्र शतानंद कुलगुरु है, उसी ने राजकुमारी सीता को शिक्षा भी दी है। वहां जाएं तो हमारे पुत्र से अवश्य मिलें और उसे मेरे शाप के अंत का समाचार अवश्य दें। अवश्य देवी, यशस्वी भाव।